क्वांटिटी कम ली, चिकनी मिट्टी तो ना के बराबर डाली, और अब इसमें नीचे पानी आने लगा है बूंद बूंद करके। दोस्तों ये है गंदा पानी, अब आपकी भी मिल जाएगी। तो आज हम आपको यही टेक्निक दिखाने वाले हैं कि इस तरीके के गंदे पानी को किस तरीके से प्लास्टिक बोतल की मदद है, और इसको हमको काटना है ऊपर से, किसी भी चीज़ की मदद से काट सकते हैं। मैं इस पेपर कटर का यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। टॉप सेक्शन कुछ इस तरीके से हटाने के बाद में कुछ ऐसी स्ट्रक्चर हमको मिल जाएगी, बोतल जिसके पैंदा नहीं है। तो अब हमको जरूरत पड़ेगी मिट्टी की। जी हाँ दोस्तों, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, इनका यूज करके हम जो है पानी को साफ करने वाले हैं। तो मिट्टी तो हर जगह मिल जाती है, आ जाओ ढूंढते हैं। दोस्तों हमको मिट्टी की लेयर्स बनानी है। सबसे नीचे हमको सबसे बारीक मिट्टी रखनी है, उससे ऊपर थोड़ी मोटी बालू रेत, और सबसे ऊपर सबसे मोटी मिट्टी और कंकड़ रखने बड़े साइज के। तो भाई सबसे पहले हमको एक कपड़े का टुकड़ा चाहिए, जो कि आप अपनी शर्ट में से बस से हम साफ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप में से किसी को कभी भी ऐसी एक एक ड्रॉप आ रही है, जबकि ये वाला जो सिस्टम है काफी टाइम से रखा है, लेकिन इसमें जो है कुछ भी नहीं आ रहा। देखो आप लोग, क्योंकि इसमें हमने ज्यादा मिट्टी डाल दी। तो ये मत करना, कुछ इस तरीके से हमको करना है जिसमें मिट्टी लिमिटेड हो, कंकड़ पत्थर थोड़े ज्यादा डालें। और अब जो है पानी धीरे धीरे आप लोग देख सकते हो नीचे इकट्ठा होने लग गया है। तो अब इसको हम देते हैं टाइम। तो गाइज लगभग इसको आधा घंटे से ज्यादा छोड़ने के बाद में अब आप लोग देख सकते हो कि जो पानी है वो काफी फिल्टर हो चुका है। इसमें से देखो बूंद बूंद करके जो पानी है वो फिल्टर हो रहा है। तो अब इसको तो रखते हैं साइड में। देखो ऊपर से पानी कम हो गया, जो कि फिल्टर होके इस गिलास में आ गया। एंड गाइज आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि ये इस कंटेनर में मैं इसको डाल रहा हूं। और जंगल में भाई गैस स्टोव तो नहीं मिलेगा, लेकिन आग लगाई जा सकती है कहीं पर भी एक लाइटर का यूज करके। तो इसको गर्म होने देते हैं। तो गाइज इसको उबलते हुए लगभग यहाँ पर हो चुके हैं 5 मिनट। इसको मैं हटा देता हूँ, नहीं तो जो सारा पानी है वो उड़ जाएगा। और इसको डाल लेते हैं एक गिलास में, साफ गिलास में, और इसको होने देते ठंडा। अभी तो ये पानी उबल रहा है बहुत। दिखाता हूँ कि भाई साहब जो गंदा पानी था उसमें और जो हमने साफ किया है उसमें कितना फर्क है। मतलब कि भाई साहब दिन रात का फर्क है। ये पानी जो है बिल्कुल मटमैला, बिल्कुल गंदला कलर का है, और ये वाला एकदम क्लीन, एकदम साफ है। थोड़ा सा इसमें पीलापन है, हो सकता है वो मिट्टी की वजह से ही है, लेकिन हमने इसको गर्म भी कर लिया तो अब जो है ये पीने के लिए सेफ है।